तो गाइस टेक्नो की पेंटम सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। इसके अंदर आपको पेंटम X2 स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये ग्लोबली लॉन्च हो गया है, पर अभी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। गाइस इसकी जो स्पेसिफिकेशन और इसकी जो प्राइस है ये आपको काफी धमाकेदार देखने को मिलने वाले, और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूँ। गाइस आज का जो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते। तो गाइस सबसे पहले इसमें डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो गाइस इसकी जो बैक साइड में ये आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो फ्रेम है ये आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाएगी। ऊपर के साइड आपको स्क्वायर टाइप में इसका कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। नीचे के साइड टेक्नो की ब्रांडिंग, और सामने के साइड आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली। गाइस इसमें डिजाइन की बात करते तो इसकी जो डिजाइन है ये आपको काफी यूनिक डिजाइन देखने को मिल जाती है, क्योंकि गाइस ऐसे डिजाइन वाला स्मार्टफोन आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा। इसकी जो डिजाइन है आपको काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाती है। गाइस इसमें डिस्प्ले की कभी बात करते तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। गाइस इसका जो डिस्प्ले ये आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसका जो डिस्प्ले काफी बिग है, पर कर्व है इसकी वजह से एकदम बिग भी डिस्प्ले आपका इसका लगता नहीं है। गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन के हिसाब से इसके अंदर आपको HDR का सपोर्ट तो देना ही चाहिए। गाइस इसमें रिफ्रेश रेट की कभी बात करते तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। गाइस इसमें कैमरा सेटअप की कभी बात करते तो इसके रियल साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, और 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस। और गाइस फ्रंट में फोटोज और वीडियोज लेने के लिए आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। गाइस वैसे तो कैमरा सेटअप काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, स्मार्टफोन आने के बाद देखेंगे कि इसकी क्लियरिटी आपको कैसी देखने को मिल जाती है। गाइस इसमें परफॉर्मेंस की कभी बात करते तो ए स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 की पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाती, जो कि गाइस 4nm के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे वर्क करता है। गाइस ये जो चिपसेट है ये आपको काफी पावरफुल देखने को मिल जाती है। इसके अंदर रैम टाइप और स्टोरेज टाइप की कभी बात करते तो इसके अंदर आपको LPDDR5X की रैम देखने को मिल जाएगी, और 3.1 का UPS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो स्मार्टफोन है ये आपको परफॉर्मेंस वाइज काफी पावरफुल देखने को मिलने वाला है, जो ये परफॉर्मेंस को टारगेट करने वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। गाइस इसमें बैटरी की कभी बात करते तो ए स्मार्टफोन के अंदर आपको 5160 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसको चार्ज करने के लिए आपको 45W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके स्मार्टफोन को फटाफट चार्ज कर देगा। गाइज इसमें प्राइस और वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है, और 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और गाइज इसकी जो प्राइस है ये आपको इंडिया के अंदर 27,000 देखने को मिल जाएगी। गाइज ये प्राइस रेंज के अंदर इसका जो परफॉर्मेंस है ये आपको काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। गाइज देखते हैं स्मार्टफोन कब तक आता है, और जैसे हमारे पास ये स्मार्टफोन आएगा हम इसकी अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्टिंग सारी चीजें करने वाले। तो गाइज इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइज आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताओ, और गाइज वीडियो को भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।